हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। कोरोना से बचने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा जैसे 8 शहरों में रात 8 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में जाने वाले, दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों तथा बस, ट्रेन एवं हवाई जहाज में सफर करने वालों को मिलेगी छूट। राजस्थान के 8 राज्यों को लेकर के बड़ा फैसला राजस्थान सरकार का। मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या अपडेट है? राजस्थान में जो है दोबारा ये नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इससे कुछ राहत राजस्थान में मिलने वाली? जी निश्चित रूप से, राजस्थान में 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ये वो जिले हैं जहां पर अब तक प्रतिदिन लगभग 1500 से लेकर 1700 मरीज कोरोना के मिल रहे थे, लेकिन दीपावली और दूसरे त्योहार की वजह से लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती गई, जिसकी वजह से लगातार संख्या भी बढ़ती गई। और इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने तय किया है कि 8 जिला मुख्यालयों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। और इसके अलावा राजस्थान सरकार के जितने भी सरकारी और निजी दफ्तर है, जहाँ पर 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं, वहाँ पर रोटेशन के आधार पर 75% कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा मास्क न लगाने पर जो जुर्माना 200 रुपए का था, उसे बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है। तो ये एहतियाती कदम राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को रोकने के लिहाज से लगाया है। जी, यानी कुछ राहत की उम्मीद तो है मनीष। और ये समय कब से नाइट कर्फ्यू लागू होने वाला है, इसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी दीजिए। ये लगातार, ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा, यानी कि राजस्थान सरकार ने जो अपने मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला किया है और इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू इन तमाम 8 जिलों में आज रात से ही लागू हो जाएगा।